आप सभी को नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी रात के बज रहे हैं 12 बजे। आज मैंने रात को 12 बजे ब्लॉग शुरू किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने रात को ब्लॉग क्यों शुरू किया। तो रात को ब्लॉग शुरू इसीलिए किया है क्योंकि हमारे घर पे है शादी छोटी वाली बहन की, और आज है मेहंदी की रस्म। ठीक है, तो हमारे शादी इतनी कोई बड़ी शादी नहीं हो रही है, छोटी शादी है। तो हम जैसे भी कर रहे हैं अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि हमारे घर में सबकी मेहंदी लग चुकी है। दुल्हन की भी मेहंदी, दुल्हन उधर बैठी है, दुल्हन की भी मेहंदी लग चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुका है। और अभी मेहंदी लग रही है मेरी मम्मी की, और मेरी मम्मी ऐसे करके मेहंदी लगवा रही है, मतलब आधी नींद में है और आधी जगी हुई है। तो आपको दिखा देते हैं। और भी लोग थे तो चले गए हैं, और जल्दी आए थे, सब चले गए। तो और अभी रात्रि का मुझे ये सीन काफी अच्छा लगा, सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो भी मेहंदी लगा रही है। जल्दी मेहंदी मेहंदी लगवाती है नहीं, तो मेहंदी लगा रही है और मस्त एकदम नींद में है। मैं सोची कि क्यों ना ये पल को कैप्चर करा जाए, खुद के लिए भी और आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो देखते हैं मम्मी को थोड़ा सा, है ना, उनकी मेहंदी देखते हैं। और सिंपल मेहंदी मम्मी की, एकदम सिंपल। कल कल पूजा है, सत्यनारायण भगवान की कथा है, पूजा होने वाली है, तो उनके अंदर उन्हीं को बैठना है, तो मम्मी को तो श्रृंगार करना अति आवश्यक है। तो मिलते हैं मम्मी से। गाइस देखो, ये है हमारी मम्मी जी, और जो बैठी हैं एकदम नींद में और देख रही हैं आप लोग को एकदम गुस्से में, और उनके चेहरे पे इस समय आई है प्यारी सी हंसी। गाइस आप लोग ने सुना, मम्मी कहती पिक्चर मत बनावा। गाइस मम्मी कह रही है कि ये वीडियो नहीं, ये पिक्चर बन रहा है। तो आप लोग बताना ये पिक्चर कैसी लगी आप लोग को। मेन जो लीड है इसके अंदर मेरी मम्मी का रोल है, तो बताना पिक्चर का जो मेन हीरोइन है आपको कैसी लगी है। गाइस मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोग को ये पल दिखाने पे। गाइस आपने सुना मम्मी क्या कह कर रही है, वो तो मजा लाया खाई ले आओ। गाइस देखो, मैं आपको गाइस कह रही, तो मम्मी बोलती गाइस काय कह भी, गाय कहो मतलब गाय बोलो। तो ये हमारी है मम्मी जो हंस रही है इस समय खिलखिला के, जो मुझे, और यही सब, इस सब का श्रेय जाता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देख रहे हो और आप ही लोगों के लिए वीडियो बन रहा है। अब देखते हैं मम्मी की मेहंदी एकदम करीब से। हाँ देखो देखो, और ये जो मेहंदी वाली आई है आर्टिस्ट, इनका तो जवाब ही नहीं, कमाल का मेहंदी लगाती है, जबरदस्त। तो थोड़ा सा हम परिचय करेंगे हमारे जो आज की कलाकार हैं। आर्टिस्ट बताइए जी, आपका शुभ नाम क्या है? पूजा। आप कहाँ से हैं? जी। और आप इस प्रोफेशन में कब से हैं? 5-6 साल हो गए। अच्छा, 5-6 साल से आप इस प्रोफेशन में हो, लेकिन बहुत अच्छा आप मेहंदी लगा लेते हो। नहीं वो तो आपका कार्य देख के हम समझ सकते हैं कि आप अच्छे ग्रोथ है आपका, मेहंदी में आप अच्छा है। तो काफी अच्छा लगा आपका मेहंदी, बहुत प्रशंसनीय है। और डिजाइन आपकी दुआ से ना ना, आगे बाबा बढ़ेगा। मेरे बैठे हैं, मेरे बाबा, मेरे पिताजी ये बैठे हैं, यही सब करते हैं। मेरे पापा को बोलो, देखो उधर बैठे हैं, उधर मेरे पापा बैठे हैं, है ना, एक मेरे दादा है, एक मेरे पापा है, वही सब करते हैं। तो अच्छा लग रहा है, वैसे आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। वैसे ना आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। मेहंदी लेने का तो एक बहाना था, मुझे तो लेना सिर्फ आपको था, क्योंकि आप बहुत सुंदर दिख रही हैं पूजा जी को।
वो यूट्यूब वाला भी समझ जाएगा कि कितनी खूबसूरत है, बस कर दो ना ना सच में। गाइस 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 आप लोग प्लीज बताइएगा कि ये जो हमारी जो आज की कलाकार हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं वो कितनी सुंदर है, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके कमेंट बेसब्री से मैं इंतजार कर सुनने के लिए रेडी हूँ, देखने के लिए। हाँ, क्या देख, करते आप लोग कमेंट करके बताना जरूर गाइस। आप लोग देख गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इनको उम्मीद भी आप लोगों से आशा है, बहुत अच्छा लगा मुझे इनकी ये बात। चलो अब इनको तो देख लिया, जितनी ये खूबसूरत हैं अब क्या इनकी मेहंदी भी इतनी खूबसूरत है, अब पास देखा जाए जितनी खूबसूरत ये है अब इनकी मेहंदी को अब देख के पता करेंगे। मैंने आलिया भट्ट स्टाइल का लगाया है गाइस, आप देख सकते हो बहुत प्यारी और सिंपल जैसी मेरी मम्मी जी हैं, है ना वैसे ही इन्होंने लगाया है, है ना। मम्मी जैसी चाहती थी वैसी इनको लगाई गई है। और ये जो हाथों में मेहंदी देख रहे हो ज्योति जी के हाथों में, तो ये जो मेहंदी आप देख रहे हो ये भी लगाई है हमारी बीच में आई हुई हमारी कलाकार पूजा जी, इन्होंने ही लगाया है। तो ये इनको जैसी मेहंदी पसंद थी वैसे मैंने लगाया है, ऐसी लगाया है। तो आप देख सकते हैं करीब से काफी ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। ज्योति जी आप अपना अनुभव बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपको मजा आ गया मेहंदी लगवा के और नाच के नाच एडिट कर देंगे और आपको भी लेंगे। ओ वाह गाइस, कल हम बनाएंगे हल्दी का एक ब्लॉग जिसके अंदर पूजा जी का कला देखेंगे। अभी तो हमने जो कला देखा है ये वो अलग है, इसके अलावा भी इनको हम देख हमने सुना है कि ये मल्टी टैलेंटेड हैं, जो कल हमें दिखाएंगे देखने को मिलने वाला है। तो बेसब्री से आप लोग दिल थाम के सजेस्ट कीजिए मैं कल कौन से गाने में डांस करूं, प्लीज कमेंट करें बताइए, कमेंट आप लोग करिएगा, है ना। तो ये क्या होगा कि इनको आसानी रहेगी कि कौन से गाने में डांस करें। संगीत है हल्दी है, हाँ मतलब बताना जरूर 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 जरूर। गाइस आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, गाना भेजो। आप बताइए ज्योति जी अभी इस समय उदास दिख रही है, इनको कौन से गाने पर डांस करना चाहिए इनका बॉडी देख के बताए ताकि पतली भी हो जाए तो ये बैठी हैं हमारी दुल्हनिया, हमारी नहीं सॉरी किसी और की दुल्हनिया बैठी हैं, हमारी तो सिस्टरिया है ये। और ये हमारी दूसरी कलाकार जिनका नाम है संध्या जी, और ये बिचारी लगी है, ये पूरा जो जिम्मा है दुल्हन का इन्हीं के हाथों में इन्होंने उठाया है। और आप देख सकते हैं करीब से इनकी मेहंदी, अरे बाप रे भारी भारी ये आप देख सकते हो। ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद मिहिर सुनीता हीरो हीरोइन यहाँ पे कैद हो गए, और ये है दूल्हा दुल्हन सिंदूर भरते हुए, मतलब ये मजा हो गई शादी। और ये है इनके पैरों की मेहंदी जो लग रही एकदम लाजवाब लाजवाब लाजवाब, आराम से हम ले ही रहे हैं, आप परेशान ना हो। और ये बैठी है हमारी बहन जिनका नाम है वैसे नाम इनका सुनीता, हम लेकिन आप लोग इनको कहिएगा संगीता, जिसके पीछे स्टोरी है। तो इनका हम चेहरा देखना चाहेंगे, ये है बीच वाली बहन जो सबसे ही आप समझ जाइएगा आगे का। तो दुल्हनिया जो है थक गई है एकदम मेहंदी लगवा के, गाइस बड़े दिनों के बाद बड़े इंतजार के बाद
अब मेरी बारी आई है मेहंदी लगवाने की, तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, मैं अपने हाथों पे रचाई मेहंदी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी, आप लोग को दिखाऊंगी बताऊंगी, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे हाथों पे लगी मेहंदी इनके माध्यम से जो पूजा जी हैं तो कैसी बनी है। तो पूजा आर्टिस्ट है, मेहंदी कलाकार है, पूजा आर्टिस्ट है। देखो कैसे बैठे है हमारे यहाँ पे लोग, ये पजामा तो हटा है। देख सकते हो ये मेहंदी लग रहा है, रात के 12 बज गए, तो मैं आप लोग को ना मेहंदी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक हाथ से ब्लॉग बनाना तो हो नहीं पाएगा, तो लगा के फिर आप लोग को दिखा दे। ओके, अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम शाम को 6 बजे से मेहंदी लगाना शुरू किए थे और 1 बज गया है रात को, और फाइनली दुल्हन का मेहंदी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। संगीता अपनी मेहंदी दिखा दे, हाथों में भी रच गई है और पैरों में भी रच गई है, साथ में जो दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है उसके हाथों में भी मेहंदी रच गई है, लेकिन जो दुल्हन की बड़ी बहन है यानी मैं नहीं रची है, तो अब मैं खुद अपने हाथों में मेहंदी खुद से लगाऊंगी, क्योंकि रात्रि रात काफी हो गई है, सुबह 9 बजे पूजा है, तो सबका क्या हुआ, इनको फोटो भी लेना है, देख सकते हो, अभी लेंगे, वेट ले रही, और ये जो है कलाकार जो है हमारे आर्टिस्ट खाना खा रहे हैं, दोनों जो मेहंदी लगाने के लिए आया था ना, मेरी बहन की फ्रेंड ही है, तो वो सब लोग अभी रात को खाना खा रहे हैं, तो खाना भी खिला रहे हैं, नाश्ता किए थे, लेकिन रात में बच गया है क्योंकि खाना खा रहे हैं, मैं नहीं खाना खा, क्योंकि रात को ना अगर मैं खा के सोऊं तो खाना बचेगा नहीं, इसलिए मैं खा नहीं रही, मेरा इधर एकदम पक गया है, बड़ा दुख है। तो पीछे का डिजाइन आप देख रहे होंगे ना, तो ये मेरी बहन ने लगा लिया है, कल फोटो शूट होगा ना उसके लिए, अच्छा लग रहा है मुझे काफी कुछ। तो अभी का ब्लॉग जो है ना हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि सब अपने अपने काम में लगे हैं, हम डायरेक्ट हम लोग सोएंगे, तो ब्लॉग अभी यहाँ पे एंड करते हैं, और मेहंदी भी लग गई है, अब मेहंदी दुल्हन का फोटो ले लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और दूसरा बात ये है कि आप लोग ना खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो यार, ठीक है, मिलते हैं नए फ्रेश व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए सब लोग को बाय बाय, हर हर महादेव। गाइस जा रहे हैं अब हमारे जो आर्टिस्ट मेहंदी कलाकार जो लोग आए थे, अब जा रहे हैं, खाना पीना खा लिए, पेट पूरा भर गया, अब ये जा रहे हैं, आप लोग को बाय बाय कर रहे हैं, ठीक है, कल अब आएंगे, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, मेहंदी सॉरी हल्दी की रस्म में, फिर डांस करेंगे, बाय 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 सबको, अच्छे से जाना, संभल के जाना, है ना, बाय बाय, सही बात है, कहाँ पे हाँ उधर, हाँ उधर बहुत कुत्ते हैं, अच्छा आया है, गाइस मैं अभी व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देती भैया, और लोग अब थोड़ा फोटो शूट हो जाए हमारा।